गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 3 सीखा और समझा। अब आज हम पार्ट 4 बादलों के घेरे सीखेंगे और समझेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है बादलों के घेरे। पाठ परिचय: बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है। बच्चों के मन में उठती इन जिज्ञासाओं को अपने आसपास हो रही गतिविधियों के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। बच्चों, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे होते हैं, यह आपके मन में इच्छा है और यह जानने की इच्छा हम आपको इस नाटिका के द्वारा समझाएंगे। बच्चों, इसमें 3 पात्र हैं। पात्र यानी जो यहाँ पर बोल रहे हैं। अक्रम स्कूल ड्रेस में, अक्रम के अब्बा, अक्रम की अम्मी। 3 लोगों के द्वारा यह नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। दृश्य 1, बादलों के गरजने और पानी के बरसने की आवाज़। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, जब बारिश होती है तो आवाज़ आती है और बादल गरजते हैं तो उसकी भी आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो वही आवाज़ आ रही है। पीठ पर बस्ता टांगे, भींगे कपड़ों में अक्रम का भागते हुए प्रवेश। और अक्रम अपने स्कूल से लौट कर आ रहा है और उसके पीठ पर उसका बस्ता टंगा है और उसके कपड़े भींग गए हैं और वो भागते हुए घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। उसके पिता तौलिया लिए मंच पर खड़े हैं और उसके पिता जब वह आता है तो वह तौलिया लेकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्रम, देखो ना अब्बा, मैं तो पूरा भींग गया। अक्रम ने आते से ही कहा अपने पिताजी से, देखो ना अब्बा, मैं तो पूरा भींग गया। अब्बा, जब बरसात शुरू हुई थी, अब्बा जब बरसात शुरू हुई थी तुम्हें तभी कहीं रुक जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, जैसे ही बारिश शुरू हुई तुम्हें कहीं पर भी रुक जाना था, तो तुम भींगते नहीं। अक्रम, जब मैं स्कूल से निकला था उस समय आसमान में केवल बादल छाए हुए थे। अक्रम ने कहा कि जैसे ही मैं स्कूल से निकला था आसमान यानी आकाश में केवल क्या थे, बादल छाए हुए थे। मुझे लगा घर पहुंचने तक बरसात शुरू नहीं होगी। उसने कहा कि मुझे लगा कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगा उसके बाद शायद बारिश शुरू होगी, हुई भी तो कुछ देर धीमी होगी। उसने कहा, यदि बरसात हुई भी तो धीमी यानी धीरे धीरे होगी, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। मैंने सोचा तब तक तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, पर आज तो सीधे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। और अक्रम ने कहा, आज तो बारिश की बूंदें कैसी थी, बड़ी बड़ी, और वे गिरने लगी। अब्बा, जो हुआ सो हुआ, अब सबसे पहले इस तौलिए से अपना सिर पोंछो। अब्बा ने कहा, बच्चे जो हुआ सो हुआ, अब तुम सबसे पहले इस तौलिए से अपना सिर पोंछो। अक्रम सिर पोंछते हुए, अक्रम तौलिया लेता है और अपने सिर को पोंछता है। अब्बा, आसमान में पानी कहाँ से आता है, वह पूछता है। अब्बा, आसमान में पानी कहाँ से आता है, बादल छाने पर वर्षा क्यों होती है। उसका दूसरा प्रश्न कि बादल छाने पर बरसात क्यों होती है, वर्षा का पानी कहाँ से आता है और वर्षा का पानी कहाँ से आता है। अब्बा, पहले अपने कमरे में जाकर ये गीले कपड़े बदलो। अब्बा कहते हैं, सबसे पहले तुम अपने कमरे में जाओ और अपने जो गीले कपड़े हैं उन्हें बदल लो, वरना सर्दी लग जाएगी। और वे कहते हैं, नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी।
और हाँ, कपड़े बदलकर सीधे रसोई घर में आना। और जब तुम कपड़े बदल लो तो सीधे कहाँ जाना? रसोई घर में। वहीं सब समझा दूंगा, वहीं मैं तुमको सारी बातें समझा दूंगा। दोनों मंच से चले जाते हैं। दोनों कहाँ जाते हैं? मंच से रसोई घर की ओर। दूसरा दृश्य, मंच पर रसोई घर। बच्चों यहाँ आप देखिए, ये मंच बना हुआ है। मंच पर ये रसोई घर का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अम्मी, अब्बा और अक्रम तीनों यहाँ पर रसोई घर में हैं। और लोहे की एक मेज पर गैस रखी हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लोहे की एक मेज रखी हुई है, उसके ऊपर गैस का चूल्हा रखा हुआ है। अक्रम की अम्मी कुछ पका रही हैं और अक्रम की अम्मी क्या कर रही हैं? कुछ बना रही हैं। एक ओर से अक्रम और दूसरी ओर से उसके अब्बा का प्रवेश। एक ओर से कौन आ रहा है? अक्रम आ रहा है और दूसरी तरफ से उसके अब्बा आ रहे हैं। अक्रम जी, अब्बा अब बताइए। अक्रम ने कहा, जी अब्बा अब बताइए, आप क्या बताना चाह रहे थे? अब्बा, तुम्हारे सवालों का जवाब है बादलों से। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो सवाल थे, तुम्हारे जो प्रश्न थे, उसका जवाब मैं बादलों से देना चाहता हूँ। अक्रम, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? अक्रम ने कहा, अब्बा मुझे बताइए कि बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? अब्बा, तुम तो जानते ही हो कि तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। वे अपने बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें तो मालूम ही है कि तालाब, नदी और समुद्र में पानी होता है। सूर्य की तेज गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है। और जब सूर्य की तेज रोशनी नदियों के पानी पर, तालाबों के और समुद्र के पानी पर पड़ती है, तो यह भाप बनकर ऊपर उठती है। फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। और यही भाप ऊपर उठती है और आसमान की ओर जाती है और क्या बन जाती है? बादल बन जाती है। अक्रम, अब्बा, भाप बादल कैसे बन जाती है? अब अक्रम ने फिर प्रश्न किया अब्बा से कि भाप जो है बादल कैसे बन जाती है? अब्बा, भाप हवा से हल्की होती है। भाप जो होती है हवा से हल्की होती है। हल्की होने के कारण वह ऊपर उठती है और हल्की होने के कारण वो ऊपर की ओर उठती है। ऊपर होती है ठंड और जैसे जैसे वो ऊपर जाती है तो वहाँ क्या होती है? ठंड होती है। ठंड से ही भाप फिर से पानी की नन्नी नन्नी बूंदों का रूप ले लेती है। और ठंड से ये भाप जो है पानी की नन्नी नन्नी बूंदों का रूप ले लेती, नन्नी नन्नी यानी छोटी छोटी बूंदों का। बादल ऐसी ही नन्नी नन्नी बूंदों का समूह है। और जो आप बादल देखते हैं आसमान में, यह छोटी 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 बूंदें जब आपस में मिल जाती हैं और इनका एक समूह बन जाता है, उसी को हम बादल के रूप में आसमान में देखते हैं। अक्रम, अब्बा मैं कुछ समझा नहीं। अक्रम क्या कहता अब्बा से? मुझे कुछ समझ नहीं, मतलब मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब्बा गैस चूल्हे की ओर इशारा करते हुए, अब अब्बा गैस चूल्हे की तरफ इशारा करते हैं, देखो वहाँ क्या हो रहा है। और कहते हैं, देखो वहाँ क्या हो रहा है? वो प्रश्न करते हैं। अक्रम, माँ चाय बना रही है। माँ चाय बना रही है। अब्बा, ठीक, चूल्हे पर क्या रखा है? चूल्हे पर क्या रखा है? अक्रम, चूल्हे पर केतली रखी है। चूल्हे पर बच्चों देखो ये क्या रखी है? केतली रखी है। अब्बा, और ध्यान से देखो। अब्बा कहते हैं, और ध्यान से देखो, केतली के आसपास क्या हो रहा है? केतली के आसपास क्या हो रहा है? अब्बा उससे प्रश्न करते हैं कि केतली के आसपास देखो क्या हो रहा है। अक्रम, केतली के मुंह से भाप निकल रही है। और वे कहते हैं कि केतली के मुंह से क्या निकल रही है?
भाप निकल रही है, भाप ऊपर की ओर उठ रही है और भाप क्या हो रही है, धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। अब्बा ठंडे पानी से भरा गिलास हाथ में लेकर गैस के पास पहुंचते हुए, अब इसे देखो, मैं ठंडे पानी से भरे इस गिलास को भाप के पास ले जा रहा हूँ। अब्बा कहते हैं ठंडे पानी से भरा गिलास हाथ में लेकर गैस के पास पहुँचते हैं, गैस के पास जाते हैं, अब इसे देखो, मैं ठंडे पानी से भरे इस गिलास को भाप के पास ले जा रहा हूँ। और वे कहते हैं कि इस ठंडे पानी के गिलास को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, भाप के पास। अक्रम, हाँ मैं देख रहा हूँ, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और अक्रम कहता है कि मैं देख रहा हूँ परंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अब्बा ध्यान से देखते रहो। अब्बा कहते हैं तुम ध्यान से देखते रहो, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा, सब बातें अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएंगी। अब्बा कुछ देर तक गिलास को भाप के पास पकड़ कर खड़े रहे। और यहाँ आप चित्र में देख रहे हो बच्चे, ये अब्बा खड़े हैं, गिलास है और ये भाप है, और वो गिलास को लेकर वहाँ पर कुछ देरी तक खड़े रहे। अक्रम देखता रहा, उसने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी और उसने देखा कि जो भाप थी वो गिलास के ऊपर जमी और फिर पानी के बूंद के रूप में धीरे 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 टपकने लगी। अक्रम, अरे वाह, अक्रम को आश्चर्य हुआ, ये आश्चर्यवाचक चिन्ह, अरे वाह अब्बा, यह रहस्य मेरी समझ में आ गया है। और उसने कहा कि यह रहस्य मेरी समझ में आ गया है, जब आप गिलास को भाप के पास ले गए थे उसके कुछ देर बाद गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी थीं। और उसने कहा कि जब आप गिलास को भाप के पास ले गए थे उसके कुछ देर बाद गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी थीं। इसका अर्थ यह हुआ कि भाप ठंडक के प्रभाव से पानी में बदल जाती है। और उसने कहा अब मुझे समझ में आ गया है कि भाप जो है ठंडक के प्रभाव से पानी में बदल गई। अक्रम खुशी खुशी मंच से उतर जाता है, और अक्रम क्या होता है, खुशी खुशी मंच से नीचे उतरता है, और जैसे ही नाटक खत्म होता है पर्दा गिरता है। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार अक्रम के अब्बा ने उन्हें समझाया कि बादल कैसे बनते हैं, किस प्रकार समझाया बच्चों, उन्होंने एक कैटली ली, कैटली को चूल्हे पर रखा और उसे गर्म किया, और गर्म करने के बाद जब उसमें से भाप निकली तो उन्होंने एक ठंडे पानी का ग्लास उसके पास लेकर गए। जब उन्होंने उस ग्लास को भाप के पास लेकर गए तब उन्होंने अक्रम को दिखाया कि देखो बच्चे, यह जो भाप है जब ठंडे पानी के ग्लास के पास आती है तो छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों इस पाठ में आपने देखा कि किस प्रकार बादलों से वर्षा होती है, इसकी जानकारी उसके अब्बा ने उसे छोटा सा प्रयोग करके समझाई। आगे हम देखते हैं शब्दार्थ, शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है हमारा बरसात, बरसात यानी बारिश, वर्षा, बरसात यानी बारिश वर्षा। समूह, समूह यानी झुंड, समूह यानी झुंड। प्रभाव, असर, प्रभाव यानी असर। इशारा, संकेत, बच्चों में ऐसा संकेत करते ना, वो देखो मुझे चश्मा दिखाई दे रहा है, वह देखो मुझे गुड़िया दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार जो हम इशारा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संकेत, इशारा यानि संकेत। रहस्य, राज, भेद, रहस्य यानि राज, भेद। भाप, उबलते पानी से ऊपर उठने वाला धुआं, आपने देखा होगा ना जब गैस पर कोई बर्तन रखते हैं और उसमें यदि पानी रहता है और जब गैस चालू कर दी जाती है तो उससे से क्या निकलती है, जैसे जैसे पानी गर्म होता है और उसमें से क्या निकलती है,
भाप निकलती है, जो धुआं जैसी दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाप। भाप कब निकलेगी? जब पानी उबलेगा। उबलते पानी से ऊपर उठने वाला धुआं भाप कहलाता है। तो बच्चों, ये शब्दार्थ हैं, इन्हें आपको समझना है और दोहराना है। मौखिक प्रश्न, उत्तर दीजिए। बच्चों, अभी हमने पाठ देखा, उसके बाद अब हम देखेंगे इसके मौखिक प्रश्न। प्रश्न नंबर एक है, अक्रम कैसे भीग गया था? अक्रम कैसे भीग गया था? उत्तर है, अक्रम बारिश के पानी में भीग गया था। आप मेरे पीछे दोहराइए, अक्रम बारिश के पानी में भीग गया था। ख, अक्रम के भीगने पर अब्बा ने क्या कहा? आपने देखा ना, अक्रम भीगते हुए आया, तो आप बताइए, अक्रम के भीगने पर अब्बा ने क्या कहा? अक्रम के भीगने पर अब्बा ने कहा, जो बारिश शुरू हुई थी तुम्हें तभी कहीं रुक जाना चाहिए था। तो बच्चों, ये हमारा खा प्रश्न का उत्तर है। ग, माँ रसोई घर में क्या कर रही थी? आपको पता है ना, माँ रसोई घर में क्या कर रही थी? उत्तर है, माँ रसोई घर में कुछ पका रही थी। माँ रसोई घर में कुछ पका रही थी। घ, कैतली के आसपास क्या हो रहा था? उत्तर है, कैतली के मुंह से भाप निकल रही थी और वह ऊपर की ओर उठ रही थी। उत्तर है, कैतली के मुंह से भाप निकल रही थी और वह ऊपर की ओर उठ रही थी। अंतिम प्रश्न है हमारा, ठंडे पानी से भरे गिलास को अब्बा कहाँ ले गए? ठंडे पानी से भरे गिलास को अब्बा कहाँ ले गए? उत्तर है, ठंडे पानी से भरे गिलास को अब्बा केतली से निकलने वाली भाप के पास ले गए। चित्र में देखा था ना आपने, ठंडे पानी से भरे गिलास को अब्बा केतली से निकलने वाली भाप के पास ले गए। तो बच्चों, ये हमारे मौखिक प्रश्न थे। अब हम आते हैं लिखित प्रश्न पर। लिखित प्रश्न, सही उत्तर पर सही लगाओ। यहाँ पर आपको सही उत्तर लिखना है। अक्रम घर जाने के लिए कहाँ से निकला था? उत्तर है, स्कूल से। कहाँ से निकला था? स्कूल से। अक्रम घर जाने के लिए कहाँ से निकला था? उत्तर है, स्कूल से। बादलों में पानी कहाँ से आता है? नदियों से। बादलों में पानी कहाँ से आता है? नदियों से। ग, भाप किसके प्रभाव से पानी में बदल जाती है? भाप किसके प्रभाव से पानी में बदल जाती है? उत्तर है, ठंडक से। भाप किसके प्रभाव से पानी में बदल जाती है? ठंडक से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर लिखिए। क, भाप कैसे बनती है? भाप कैसे बनती है? बच्चों, उत्तर है, सूर्य की गर्मी से तालाबों, नदियों और समुद्रों का पानी भाप बन जाता है। सूर्य की गर्मी से तालाबों, नदियों और समुद्रों का पानी भाप बन जाता है। ख, भाप बादल कैसे बन जाती है? भाप बादल कैसे बन जाती है? बच्चों, आपने देखा ना पाठ के अंतर्गत, हमने देखा ना भाप बादल कैसे बनती है, इसे समझाया गया था। तो अब हम उत्तर लिखेंगे, भाप जब ऊपर उठती है तो ठंडक के प्रभाव से वह फिर से पानी में बदल जाती है और नन्नी नन्नी बूंदों का समूह बादल बन जाता है।
भाप जब ऊपर उठती है तो ठंडक के प्रभाव से वह फिर से पानी में बदल जाती है और इन्हीं नन्नी नन्नी बूंदों का समूह बादल बन जाता है। ग, अक्रम ने कौन सा रहस्य समझा? उत्तर है, अक्रम ने भाप से बादल बनने के रहस्य को समझा। बच्चों अब आते हैं हम भाषा बोध। भाषा बोध में नंबर एक हमारा प्रश्न है, संयुक्त अक्षर दो वर्णों को जोड़कर बनते हैं जिनमें पहला वर्ण आधा तथा दूसरा वर्ण पूरा होता है, जैसे बस्ता ध्यान। पाठ में आए संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। बच्चों हमें यहाँ पर संयुक्त अक्षर वाले तो बहुत से शब्द होते हैं, परंतु बच्चों पाठ में आए संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, तुम्हारे, तुम्हारे में मा आधा वर्ण है और हा पूरा वर्ण है। इससे हमने एक शब्द बनाया तुम्हारे। दूसरा है रहस्य। रहस्य में स आधा वर्ण है और या पूरा वर्ण है। इससे हमने एक संयुक्त अक्षर बनाया रहस्य। नन्नी, नन्नी में आप देखिए ना आधा वर्ण है, हा पूरा वर्ण है। इससे हमने एक संयुक्त अक्षर बनाया नन्नी। अगला है चूल्हे। चूल्हे में आप देखेंगे ला आधा वर्ण है, हा पूरा वर्ण है, और इसके द्वारा हमने एक शब्द बनाया चूल्हे। क्या बनाया? चूल्हे। ध्यान, ध्यान में धा आधा वर्ण है और या पूरा वर्ण है, इसके द्वारा हमने एक शब्द बनाया ध्यान। स्कूल, स्कूल में स आधा वर्ण है, का पूरा वर्ण है, और इन संयुक्त वर्णों को मिलाकर हमने एक शब्द बनाया, वह है स्कूल। तो बच्चों आपको संयुक्त अक्षर के द्वारा वर्ण बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा हमने तुम्हारे, रहस्य, नन्नी, चूल्हे, ध्यान, स्कूल, ये संयुक्त वर्ण यहाँ पर बनाए हैं। संयुक्त अक्षरों के द्वारा हमने ये शब्द बनाए हैं। नंबर दो, द्वित व्यंजन दो समान वर्णों को जोड़कर बनते हैं जिनमें पहला वर्ण आधा तथा दूसरा वर्ण पूरा होता है, जैसे अब्बा। अब यहाँ हम देख रहे हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में दो वर्ण होते हैं और दोनों वर्ण एक ही जैसे होते हैं, परंतु पहला वाला वर्ण जो होता है वह आधा होता है और दूसरा वाला वर्ण जो होता है वह पूरा होता है। आधा वर्ण प्लस दूसरा वाला पूरा वर्ण, और उसके द्वारा जब हम एक शब्द बनाते हैं तो वे कहलाते हैं द्वित व्यंजन से बनने वाले शब्द। तो यहाँ पर अब्बा अम्मी। अब्बा में आप देखेंगे बा आधा है और बा पूरा है, और हमने एक शब्द बनाया अब्बा। इसी प्रकार अम्मी में माँ आधा है और माँ पूरा है, और इससे हमने एक शब्द बनाया अम्मी। दिए गए शब्दों में से द्वित व्यंजनों को छांट कर लिखिए। अब यहाँ पर हम द्वित व्यंजन वाले शब्द लिख रहे हैं। पहला शब्द है हमारा बिल्ली। बिल्ली में आप देखिए पहला वर्ण है ला आधा और दूसरा है ला पूरा। अब हमने इससे एक शब्द बनाया बिल्ली। क्या बनाया बच्चों? बिल्ली। चम्मच, चम्मच में आप देखिए माँ आधा है और एक माँ पूरा है। अब हम इस द्वित व्यंजन से एक नया शब्द बनाते हैं और वह शब्द है चम्मच। क्या है बच्चों? चम्मच। मक्का,
मक्का में आप देखिए का आधा है और का पूरा है, और इसके द्वारा हमने एक शब्द बनाया मक्का। क्या बनाया बच्चों? मक्का। बच्चा, बच्चा में आप देखिए च आधा है और चा पूरा है। ये दोनों वर्णों के द्वारा हमने एक शब्द बनाया, वह शब्द है बच्चा। गुब्बारा, गुब्बारा में आप देखिए बा आधा वर्ण है और एक बा पूरा वर्ण है, और इसके द्वारा हमने एक शब्द बनाया गुब्बारा। मुन्ना, मुन्ना में आप देखिए एक ना आधा है और एक ना पूरा है, और हमने एक शब्द बनाया मुन्ना। तो बच्चों ये हमने द्वित व्यंजन से बनने वाले शब्द सीखे। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। वाक्य बनाइए। आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनके प्रयोग से आपको क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। पहला है खुशी खुशी, इससे मैंने एक वाक्य बनाया है। खेल कूद कर सभी बालक खुशी खुशी अपने घर चले गए। क्या बनाया मैंने? खुशी खुशी। खेल कूद कर सभी बालक खुशी खुशी अपने घर चले गए, ये मैंने एक वाक्य बनाया है। आप भी बना सकते हो, दूसरा भी बना सकते हो, परंतु उसमें खुशी खुशी शब्द आना जरूरी है। खा बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी मशीनें देखकर सब विस्मय में पड़ गए। क्या बनाया है मैंने? बड़ी बड़ी मशीनें देखकर सब विस्मय में पड़ गए। गा नन्नी नन्नी, नन्नी नन्नी बूंदों से बादल बनते हैं। क्या वाक्य बनाया है मैंने नन्नी नन्नी से? नन्नी नन्नी बूंदों से बादल बनते हैं। तो बच्चों आपको ये वाक्य बनाना है और इन्हें समझकर अपनी कॉपी में भी लिखना है, और आप अपने मन का दूसरा भी वाक्य बना सकते हो। हम चौथे नंबर के प्रश्न पर आते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम रूप लिखिए। विलोम रूप यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द या विप्रार्थी शब्द, इसको हम विलोम रूप भी कह सकते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कह सकते हैं, और विप्रार्थी शब्द भी कह सकते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कह सकते हैं। पहला है ऊपर, बच्चों ये ऊपर है और इसका विलोम हुआ नीचे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। सीधा का विलोम शब्द क्या हुआ? उल्टा। हल्की भारी, हल्की भारी। ठंड गर्मी, ठंड का विलोम क्या हुआ? गर्मी। सवाल जवाब, सवाल का विलोम जवाब, सवाल का विलोम जवाब। गीला सूखा, गीला सूखा। गीला का विलोम रूप क्या है? सूखा। तो बच्चों ये थे हमारे विलोम अर्थ, मैं इनको एक बार और पढ़ती हूँ। ऊपर नीचे, सीधा उल्टा, हल्की भारी, हल्की भारी, ठंड गर्मी, सवाल जवाब, गीला सूखा। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों हमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनके हमें क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्द। हमें कितने लिखने हैं? दो दो। पानी के दो दो पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे क्या होते हैं। पानी जल नीर, पानी जल नीर। खा बादल, बादल के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ घन, मेघ घन। गा आसमान आकाश गगन, आसमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं आकाश और गगन।
तो यहाँ पर हमने देखे कि हमने पानी के दो पर्यायवाची शब्द लिखे, जल नीर, बादल के मेघ घन, आसमान आकाश गगन। तो ये हमने पर्यायवाची शब्द सीखे। अब बच्चों आपकी बारी है गृह कार्य, आपको ये गृह कार्य होमवर्क करना है। प्रश्न नंबर एक है, शब्दों के अर्थ याद करके कॉपी में लिखिए। बच्चों आपने पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ आए थे उनको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर दो, पाठ में आए विलोम शब्दों को याद करके कॉपी में लिखिए। आपको पाठ में जो विलोम शब्द आए हैं उन्हें याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर तीन, मौखिक प्रश्नों के उत्तर याद करके लिखिए। तो बच्चों आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर याद करना है और अपनी रफ कॉपी में लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपके लिखने के अभ्यास से आपकी लेखन कला में निखार आएगा। तो आपको लिख लिख कर अभ्यास करना है। तो आज बच्चों हमने पाठ चार सीखा, समझा और उसके शब्दार्थ देखे, प्रश्नों के उत्तर देखे, पर्यायवाची शब्द सीखे और विलोम अर्थ वाले शब्द सीखे। सही उत्तर पर सही निशान लगाइए, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर से बनने वाले शब्दों को सीखा, द्वित व्यंजन से बनने वाले शब्दों को सीखा। आप अपने घर में हैं और आपको पढ़ाई करना है क्योंकि पढ़ने से ज्ञान में वृद्धि होती है। तो बच्चों आप अपने घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, नए उत्साह के साथ।